कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट की बैंक की क्या पॉलिसी है, वैल्यूएशन रिपोर्ट कब लेना चाहिए, पीरियडिकली कब लेना चाहिए। कुछ बैंकों की पॉलिसी के 3 साल में लेना चाहिए, कुछ बैंकों की पॉलिसी 5 साल में लेना चाहिए। देन अप्रूव्ड पैनल की जो लिस्ट है, वैल्यूएशन रिपोर्ट बैंक के अप्रूव्ड पैनल से लेना चाहिए। देन बैंक के अप्रूव्ड पैनल की लिस्ट ले सकते हो आप, अप्रूव्ड वैल्यूअर है नहीं वो चेक कर सकते हो आप। देन कंपेयर ओल्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट विद द न्यू वन। ये पॉइंट एनपीए के हिसाब से काम में आता है। अगर आपने लास्ट टाइम कोई वैल्यूएशन किया था टोटल सब प्रॉपर्टीज का मिला के, अगर सपोज 10 करोड़ रुपीज वैल्यूएशन था, और अगर अभी जो करंट वैल्यूएशन कर रहे हो आप, अगर उसमें प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आता है बिलो 50%, मीन्स 4 करोड़ रुपीज, तो यहाँ पे आपको असेट क्लासिफिकेशन, जो ईयर वाइज क्लासिफिकेशन होता है, वो चेक करने की जरूरत नहीं। अकाउंट परफॉर्मिंग भी रहा तो वो अकाउंट डायरेक्टली क्लासीफाई हो जाएगा डाउटफुल में। और अगर आपकी जो सिक्योरिटी है उसमें अगर इरोजन होता है बिलो 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, सपोज आपका लोन है सपोज 10 करोड़ रुपीज का, और आपका जो सिक्योरिटी का वैल्यूएशन में इरोजन हुआ है और वो हो गया है बिलो 10%, मतलब 90 लाख रुपीज, सपोज 1 करोड़ 10% 90 लाख पकड़ रहा हूँ मैं एग्जाम्पल में, तो 90 लाख अगर हो गया तो डायरेक्टली ये असेट क्लासीफाई हो जाएंगे लॉस असेट में। तो ये पर्टिकुलर दो सिचुएशन में आपको प्रोसेस नहीं फॉलो करना है, रिकवरी नहीं देखना है, डायरेक्टली वैल्यूएशन के बेस पे आप अकाउंट डाउटफुल और लॉस असेट कर सकते हो। एनपीए अकाउंट में वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, उसके लिए 3 साल में आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एनपीए अकाउंट से उसमें जो प्रोविजनिंग होती है वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पोर्शन पे होती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करके उसको सिक्योर्ड अकाउंट कर रहे हो तो वैल्यूएशन रिपोर्ट कब का आता है, वैल्यूएशन रियलाइजेबल है या नहीं है। अगर वैल्यूएशन रिपोर्ट काफी पुराना है तो आज के डेट पे वो वैल्यूएशन एग्जिस्टेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, उतनी अमाउंट रियलाइज होंगी नहीं होंगी, ये होता है क्वेश्चन मार्क हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एनपीए अकाउंट से तो उसके लिए आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट चेक करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर 5 करोड़ के ऊपर अगर कोई बैंक की पॉलिसी है दो वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना चाहिए, तो वो लिया है नहीं लिया वो चेक करना है। देन इंश्योरेबल एलिमेंट इन द वैल्यूएशन रिपोर्ट, तो ये एक मजेशीर किस्सा मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट को इंश्योरेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सपोज रो हाउस है, वहां पे उसका वैल्यूएशन आया सपोज 60 लाख रुपीज, तो ऑडिटर ने विदाउट, मतलब जूनियर ऑडिटर था उसने विदाउट वेरिफिकेशन उसने लिख दिया 60 लाख का इंश्योरेंस चाहिए था, बट बैंक ने निकाला 20 लाख रुपीज का इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट देख रहे हो तो उसमें इंश्योरेबल एलिमेंट कितना है वो चेक करें। फॉर एग्जाम्पल रो हाउस के केस में जो वैल्यूएशन रिपोर्ट था उसमें लैंड का वैल्यूएशन अलग से दिया हुआ था और कंस्ट्रक्शन का वैल्यूएशन अलग से दिया था, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट ओनली इंश्योरेबल एलिमेंट हो गया, तो उतने रुपए का इंश्योरेंस निकालना चाहिए। कुछ केस में ओपन प्लॉट होते हैं, ओपन प्लॉट में इंश्योरेबल एलिमेंट कुछ नहीं होता है, तो ओपन प्लॉट्स का लैंड का इंश्योरेंस नहीं निकलेगा। बट अगर जहाँ पे वैल्यूएशन रिपोर्ट है, जब फॉर एग्जाम्पल फ्लैट है, फ्लैट का वैल्यूएशन रिपोर्ट दिया है वैल्यूअर ने, वहां पे लैंड का एलिमेंट अलग से नहीं है, कंप्लीटली फ्लैट का वैल्यूएशन दिया है, तो वहां पे इंश्योरेंस आपको पूरी अमाउंट का निकालना पड़ेगा। देन जैसे मैंने आखिरी पॉइंट भी है कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपको चेक करना है, उसका प्रोविजनिंग का इम्पैक्ट चेक करना है। यहाँ पे मैं एक मेरा ऑडिटिंग एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक अकाउंट एनपीए था, जैसे मैंने पहले भी आपको 2 बार स्ट्रेस किया हुआ है कि एनपीए अकाउंट सैंपल में लीजिए आप, ऐसा एनपीए अकाउंट है तो इसके लिए उसको अलग से मत छोड़ दीजिए। तो एनपी अकाउंट था और बड़ा अकाउंट था, तो हमने उसको डेफिनेटली उसको सैंपल में सिलेक्ट किया हुआ था। तो एनपी अकाउंट में क्या था कि सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पोर्शन के हिसाब से उन्होंने प्रोविजनिंग करी हुई थी, बट जब हम वेरीफाई कर रहे थे तब तो सिक्योर्ड वैल्यूएशन अमाउंट नहीं मिल रहा था। बैंक ने बताया था 50 करोड़ का लोन है, 50 करोड़ सिक्योर्ड अमाउंट है, इसलिए हमको सिर्फ अनसिक्योर्ड पे कुछ नहीं, सिक्योर्ड पे जितना पोर्शन एप्लीकेबल है उस पर हमने प्रोविजन करी। जब हमने रिकॉर्ड चेक करे तो सीबीएस सिस्टम जब रिकॉर्ड कर रही है, या फिर उनकी जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है, काफी 7 से 8 प्रॉपर्टी उसका अलग अलग था, कुछ स्टॉक था कुछ क्या था, तो हमने उनको बोला कि हमको फ्रेश वैल्यूएशन दो या फिर हमको सब वैल्यूएशन कैटेगराइज करके दो। तो जब कैटेगराइज करे हमने तो ओवरऑल अलग अलग अकाउंट्स, क्योंकि उसमें 10 से 15 अलग अलग अकाउंट थे, 7 से अलग अलग सिक्योरिटी थी, तो हमने सब कंपटीशन किया उसका, तब हमको मालूम पड़ा उसका सिक्योरिटी वैल्यूएशन सिर्फ था 35 करोड़ रुपीज। और इसमें और इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम सीबीएस से रिपोर्ट निकाल रहे थे हर अकाउंट में सिक्योरिटी का वैल्यूएशन दिया था 100 करोड़ रुपीज, मतलब 50 करोड़ रुपीज हर अकाउंट में दिया हुआ। तो इसका मतलब है कि आप जब सीबीएस में सिस्टम में फीड कर रहे हो तब कितना सिक्योरिटी वैल्यू इनपुट कर रहे हो वो भी आपको चेक करना है।
तो उस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो उस केस में हमने 15 करोड़ रुपीज का एमओस इश्यू किया कि बैंक ने जो सिक्योर्ड वैल्यूएशन बताया वो गलत है. सिक्योर्ड वैल्यूएशन एज पर अवर ऑडिट इज 35 करोड़ ओनली, बैंक का आउटस्टैंडिंग है 50 करोड़, तो 15 करोड़ अनसिक्योर्ड में डाले हमने. नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पॉइंट, ये 15 करोड़ अनसिक्योर्ड वाला तो क्या हुआ सर, इसमें तो सिर्फ एमओसी आपका किस चीज का हुआ, क्लासिफिकेशन का हुआ, सिक्योर्ड पोर्शन आपने अनसिक्योर्ड किया. बट अगर ओवरऑल इम्पैक्ट अगर आपको देखना है, सिक्योर्ड पोर्शन पे प्रोविजन थी 20, 30, 50 और अनसिक्योर्ड पे आपको प्रोविजन कितनी करनी है 100%. सो इट हैज अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट एट द बैंक लेवल. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. कमिंग टू द स्टॉक स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट की बैंक की क्या पॉलिसी है, स्टॉक स्टेटमेंट रजिस्टर मेंटेन किया है नहीं किया है, स्टॉक स्टेटमेंट आने के बाद उस पर इनवर्ट डेट मेंशन हो रही है नहीं हो रही है, देन स्टॉक स्टेटमेंट रजिस्टर प्रॉपरली असेस हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर से डीपी कंप्लीट हो रही नहीं हो रही है, स्टॉक स्टेटमेंट के साथ में डेटर्स की लिस्ट आ रही नहीं आ रही वो चेक करना है आपको, डेटर्स का कवर पीरियड जो है वो एक्सक्लूड हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना है आपको, देन डेटर्स का सीए सर्टिफाइड की रिक्वायरमेंट कुछ है क्या लोन में 6 महीने में क्वार्टरली या फिर ईयरली, तो वो कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको चेक करना है. कमिंग टू द ओल्ड स्टॉक जो है वो अलग से मेंशन हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना है, क्रेडिटर्स की पेंडिंग के लिए क्रेडिटर्स की लिस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे, सो डीपी कंपटीशन प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना है. डीपी कंपटीशन मतलब स्टॉक लेस क्रेडिटर नेट पेड स्टॉक, डेटर्स डेटर्स में से आपको जो अबोव कवर पीरियड है वो लेस करने हैं, उसके बाद उन दोनों को मार्जिन अप्लाई करना है, मार्जिन अप्लाई करने के बाद आपका जो निकलेगा वो रहेगा डीपी लिमिट. तो डीपी लिमिट प्रॉपरली असेस हो रही नहीं हो रही है, एज अ ऑडिटिंग एक्सपीरियंस में सबको बताना चाहूंगा दिस इज अ वेरी ग्रे एरिया जहाँ पे बैंक का वीकनेस काफी ज्यादा होता है, बट आपको प्रॉपरली कंट्रोल सेटअप पॉइंट चेक करने हैं और उसके हिसाब से आपके ऑडिट सैंपल सिलेक्ट करके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है कि कौन से पर्टिकुलर अकाउंट में क्या क्या इश्यूज आपको मिले. देन लेट सबमिशन पे पिन इंटरेस्ट लग रहा है नहीं लग रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम में बैंक की जो स्टॉक स्टेटमेंट की फाइल्स होती है वो प्रॉपर ही नहीं होती है, उस पर इनवर्ट डेट ही मेंशन नहीं है, तो आप किस तरह से पिन इंटरेस्ट लगाने वाला. तो यहाँ पे आप सजेशन भी सकते हो कि अगर आपका इनवर्ट रजिस्टर प्रॉपर नहीं है तो पिन इंटरेस्ट लगाने का सवाल ही उठता नहीं है. देन अगर स्टॉक ऑडिट हुआ है तो वो भी चेक करना है कि उसमें क्या डीपी लिमिट असेसमेंट हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कमिंग टू द स्टॉक ऑडिट, स्टॉक ऑडिट में आपको चेक करना है कि स्टॉक ऑडिट की बैंक की पॉलिसी क्या है. जैसे मैंने बताया कि हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी हो सकती है, कुछ अकाउंट में 5 करोड़ के ऊपर के स्टॉक ऑडिट करते हैं, कुछ अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर के करते हैं. तो जनरली स्टॉक ऑडिट की जो अलॉटमेंट है ये होती है रीजनल लेवल या फिर सर्कल ऑफिस लेवल. तो आपको बैंक मैनेजर को पूछना है कि बैंक की पॉलिसी क्या है, आस्क सर्कुलर फॉर द स्टॉक ऑडिट, फिर उसके हिसाब से आपको देखना है कि एलिजिबल अकाउंट कितने स्टॉक ऑडिट के आपके ब्रांच लेवल में. एग्जाम्पल कि आपको बैंक ने दे दिया कि 5 करोड़ की लिमिटेड स्टॉक ऑडिट, तो आपको असेस करना है कि अपने ब्रांच में 5 करोड़ के ऊपर कितने अकाउंट है, फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड क्या क्राइटेरिया था उसका, उसके हिसाब से स्टॉक ऑडिट एलिजिबल के अकाउंट की लिस्ट निकल, फिर कितने अकाउंट में स्टॉक ऑडिट हुआ है वो देखिए, फिर जो अकाउंट में स्टॉक ऑडिट होना चाहिए था पर नहीं हुआ है वो रिपोर्ट करिए. यहाँ पे कॉमन ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, अगर आप बैंक मैनेजर को पूछेंगे स्टॉक ऑडिट कौन से, तो वो बोलेंगे 2 अकाउंट में स्टॉक ऑडिट हुए. अगर कोई स्टॉक ऑडिट में पर्टिकुलर फाइल में स्टॉक ऑडिट में काफी निगेटिव ऑब्जर्वेशन है तो वो स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट निकाल के बाजू में रख देते, तो ये केस में आपको बोलते स्टॉक ऑडिट हुआ ही नहीं. तो इस केस को किस तरह से हैंडल करेंगे, तो आपको आपको पता होना चाहिए बैंक में कौन से अकाउंट में स्टॉक ऑडिट होने वाला है, कौन से अकाउंट में स्टॉक ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है. एप्लीकेबल है तो बैंक मैनेजर पूछे भाई किस में आया रिपोर्ट वो बताइए, नहीं आया तो हम कमेंट डालने वाले इस तरह से, इसका स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट हमको देखने नहीं मिला है, फिर स्टॉक ऑडिट नहीं हुआ है. इस तरह से जब आप आंसर करेंगे उनके क्वेश्चन को तभी आपको बोलेंगे कि स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट ये अलग से पहले हमने रखा हुआ. देन एनपीए अकाउंट अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो स्टॉक ऑडिट कंपलसरी है. स्टॉक ऑडिटर ने अगर डीपी लिमिट कम करी है तो बैंक ने उसको रेक्टिफाई किया है नहीं किया है वो चेक करना है आपको. तो बैंक ने सपोज स्टॉक ऑडिटर ने डीपी लिमिट 3 करोड़ रुपए निकाला है, 5 करोड़ का सैंक्शन लिमिट है, 3 करोड़ का डीपी लिमिट निकाला, बट बैंक ने सीबीएस सिस्टम में 5 करोड़ का डीपी लिमिट कंटिन्यूस रखा हुआ, तो ये चीजों को आप एडवर्सली इम्पैक्ट करके आपके रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हो. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट अगर आपने जरूर जरूर पढ़ना चाहिए. स्टॉक ऑडिट से आपको पूरे अकाउंट का कंडक्ट मालूम पड़ता है और लार्ज एडवांसेस में स्टॉक ऑडिट कंपलसरी हो जाते हैं. देन रेड फ्लैग अकाउंट, 1 जुलाई 2016 को जो फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग है इस पे आरबीआई ने जो सर्कुलर निकाला हुआ है, इस पे जो सर्कुलर है इसमें ईडब्ल्यूएस के साइन दिए, अर्ली वीकनेस सिग्नल्स.
तो यहाँ पे आपको 42 रीजंस दिए हुए हैं आरबीआई ने इस पर्टिकुलर सर्कुलर में कि जहां पे अकाउंट रेड फ्लैग में जा सकता है। तो बैंक ने ये सिस्टम फॉलो किए नहीं किए वो आपको देखना है, मीनिंग दैट जो सेल्स टर्नओवर है वो प्रॉपरली अकाउंट में रूट नहीं हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अर्ली वार्निंग। तो इस तरह से ये जो सर्कुलर है इसको थोड़ा डिटेल में जाके आप देखिए यहाँ पे 42 रीजंस क्या है। और आपको ड्यूरिंग ऑडिट सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर आप बैंक मैनेजर को ये पूछे कि रेड फ्लैग सिस्टम के अपने बैंक में है या नहीं, सिंपल आंसर विल बी यस, हाँ है सर। कहाँ पे होती है सर? तो हेड ऑफिस में होती है। अगला क्वेश्चन, कौन से बेस पे होती है, गिव अस द इंस्टेंसेस, तब चालू होंगी रियल कसरत। तो वो तो सर हेड ऑफिस पे होता है, हमें पता नहीं। तो आपको एज अ ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सर्कुलर पता होना चाहिए कि कौन कौन से केस में रेड फ्लैग लगा सकते हैं, फिर चेक करिए कि बैंक की जो सिस्टम है वो रेड फ्लैग प्रॉपरली कर रहे हैं नहीं कर रहे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ पर्टिकुलर अकाउंट रेड फ्लैग में डालने चाहिए तो वो आप यहाँ पे मेंशन करो। देन अगेन इंपॉर्टेंट केस लॉ या फिर केस स्टडी बताऊंगा यहाँ पे। सपोज एक आधा अकाउंट है जिसमें काफी कुछ मिसमैच चल रहा है, जैसे टर्नओवर नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन प्रॉपरली नहीं है, इंटरेस्ट टाइम पे नहीं आ रहा है, और अकाउंट एज पर एनपीए नॉर्म्स आईरॉक नॉर्म अकाउंट जा रहा है एनपीए में, बट बैंक मैनेजर आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर कंटेंशन दे रहा है, सर आप एक काम करो सर, आप सिग्नल्स तो है सर उसमें हमको पता है, बट हम करने वाले उसको एनपीए, बट आप 31 मार्च को एनपीए मत करो, एक काम करो सर आप रेड फ्लैग अकाउंट में डाल दो। नाउ एज अ ऑडिटर मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपने अगर पर्टिकुलर अकाउंट रेड फ्लैग में बताना चाहिए या फिर एनपीए बताना चाहिए। सिंपल चीज है, रेड फ्लैग इज ओनली सिग्नल। अगर एनपीए ऑब्जेक्टिव है तो एनपीए के क्राइटेरिया मीट हो रहे तो वो अकाउंट एनपीए में क्लासीफाई करना चाहिए। एनपीए में क्लासीफाई करने के बाद उसमें अगर अनरियलाइज इंटरेस्ट तो रिवर्स करना चाहिए, उसका एमओसी पास करना चाहिए। रेड फ्लैग अकाउंट और वो अकाउंट मिक्स नहीं करने चाहिए। जो अकाउंट एनपीए के नॉर्म्स फुलफिल नहीं कर रहे बट कुछ प्रॉब्लम्स इश्यू दिख रहे हैं वो आपको रेड फ्लैग में डालना है। नाउ कमिंग टू द क्लोजर ऑफ द एलएफआर, रिपोर्टिंग किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन करिए। देन कम्युनिकेट विद द दो चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब बैंक मैनेजर को बताइए कि ये हमारे ऑब्जर्वेशन है पर्टिकुलर पॉइंट्स में। डिस्कस विद द बैंक मैनेजर, काफी बार इस तरह से भी हो सकता है कि बैंक मैनेजर के पास कुछ एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे या फिर बैंक मैनेजर के कुछ उस पर एक्सप्लेनेशन होंगे, बिकॉज ही इज हैंडलिंग अकाउंट थ्रू द ईयर, तो ही मे गिव यू मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अपना ऑब्जर्वेशन क्या था, मैनेजर का क्या एक्सप्लेनेशन था, उसको कंसिडर करते हुए आपको फाइनल क्यूरी रिपोर्ट मेंशन करना है एलएफआर में। डोंट अगर आपको कोई क्यूरी मिल रही है तो डायरेक्टली उसे राइट मत करिए, उसको डिस्कस करिए, क्योंकि क्यूरी लिखना ये अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यूरी को प्रॉपरली डिस्कस करके उसके इम्पैक्ट कंसिडर करके बैंक मैनेजर का क्या एक्सप्लेनेशन है, जस्टिफिकेशन है, वो कंसिडर करके आपको ओपिनियन फॉर्म करना है। देन कमिंग टू द अदर असेट, ये अपन सब एलएफआर के पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। कमिंग टू द अदर असेट्स एंड अदर लायबिलिटीज, दीज आर वेरी सेंसिटिव एरियाज फॉर द बैंक ऑडिट। जनरली बैंक ऑडिटर्स यहाँ पे मिसमैच करता है, बैंक ऑडिटर ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कंसिडरेशन नहीं देता है, वो कहता है कि ये पॉइंट कंकरेंट ऑडिट के, बट इवन दो दिस पॉइंट हैज टू बी कवर्ड इन कंकरेंट ऑडिट एज वेल एज द इंस्पेक्शन ऑडिट, बट एज अ ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिट इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कि बैंक क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, मीनिंग दैट दीज अकाउंट्स आर सेंसिटिव वन, तो आपको क्या करना है कि ये अकाउंट का रिकंसिलेशन किस तरह से होता है। बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट आपके आउटस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर हेड में, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर असेट्स, और लायबिलिटी साइड में जाएंगे तो अदर लायबिलिटीज भी, तो आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन कि भाई हमको इसका जॉटिंग दीजिए। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रीज में अगर 27,42,000 अमाउंट पड़ी है तो 27,42,000 कौन कौन से अकाउंट्स में है सर, मतलब उसकी कौन सी डेट है, क्या पर्टिकुलर हेड है, अमाउंट है और क्यू पेंडिंग है क्लियरेंस के लिए। तो टेक अ लिस्ट ऑन 31 मार्च 2024, कंपेयर विद द लास्ट ईयर, अपने को साल भर के ट्रांजेक्शन भी चेक करने हैं कि कोई अनयूजुअल मूवमेंट है कि नहीं। अगर अनयूजुअल मूवमेंट मिलती है आपको तो एलएफआर में रिपोर्ट करना है, तो आपको सैंपल बेस पे वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल पॉइंट बताना चाहूंगा मैं, सबसे पहले तो 31 मार्च की लिस्ट लीजिए, देन आस्क फॉर अ जॉटिंग, उसका क्लासिफिकेशन है कि नहीं, उसका एज वाइज बाइफिकेशन लीजिए, देन ऑप्टेन अ लेजर कि साल भर में क्या क्या ट्रांजेक्शन है, लास्ट ईयर में अगर कोई एंट्रीज पेंडिंग है वो इस साल में क्लियर हो गई तो प्रॉपरली सेटल हो रही नहीं हो रही वो अपने को चेक करना है, इस साल में अगर कोई नई एंट्री आउटस्टैंडिंग हो रही है तो उसका इम्पैक्ट वो क्यों पेंडिंग है, वो क्यों एडजस्ट नहीं हुई है, वो आपको एनालिसिस करना है और उसके हिसाब से कॉमेंट करना है। इस पूरे एक्टिविटी में
अगर आपको कोई अनयूजुअल अनयूजुअल मूवमेंट मिल रही है तो वो आपको रिपोर्ट करना है। कमिंग टू द पार्ट टू, पार्ट वन था पूरा असेट साइड एलएफआर में, पार्ट टू में आता है डिपॉजिट, अदर लायबिलिटीज एंड कंटिन्यू लायबिलिटीज। जैसे मैंने अदर लायबिलिटीज में बिल्स पेबल, सन्डरी डिपॉजिट्स, ये पॉइंट एग्जैक्टली सिमिलर चेक करना है आपको अदर असेट के जैसे। कमिंग टू द डिपॉजिट सेक्शन, तो डिपॉजिट सेक्शन में इन ऑपरेटिव अकाउंट्स के लिए पहला पॉइंट है। तो इन ऑपरेटिव अकाउंट के लिए बैंकिंग की सिस्टम क्या है, क्या फ्लैग्स लगाते हैं। इन ऑपरेटिव अकाउंट मतलब पर्टिकुलर अकाउंट में पर्टिकुलर पीरियड तक अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं तो फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एंगल उस अकाउंट को क्लासिफाई किया जाता है इन ऑपरेटिव। नाउ एज पर बैंकिंग पॉलिसी, तो बैंक की क्या पॉलिसी है, इन ऑपरेटिव अकाउंट कब अकाउंट शिफ्ट होता है ऑपरेटिव टू इन ऑपरेटिव, देन ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ इन ऑपरेटिव अकाउंट्स। देन इस साल में आपको चेक करना है कि लास्ट ईयर अकाउंट इन ऑपरेटिव में था और करंट ईयर में उसको ऑपरेटिव में कन्वर्ट किया, तो टेक अ लिस्ट ऑफ दिस अकाउंट्स। देन सैंपल वेरिफिकेशन पे चेक करें, जब अकाउंट इन ऑपरेटिव था लास्ट ईयर में, करंट ईयर में उसको ऑपरेटिव किया है तो बैंक ने क्या गाइडलाइन फॉलो करी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लिया है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली ऑथोराइज किए नहीं किए, बैंक का सर्कुलर क्या था और उसके हिसाब से एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन क्या है, वो चेक करके आपको कमेंट। ओवरऑल यहाँ पे आपको इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, सेकंड पॉइंट आपको सैंपल वेरिफिकेशन करना, देन अनयूजुअल मूवमेंट और विंडो ड्रेसिंग कह सकते हैं आप। तो ये पॉइंट किस तरह से चेक करना है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि जैसे आप 31 मार्च को ऑडिट करने जा रहे हो तो 15 मार्च को कितना आपका डिपॉजिट था, 31 मार्च को कितना डिपॉजिट है, और आप जब ऑडिट कंक्लूड कर रहे हो 8 अप्रैल 10 अप्रैल उस दिन डिपॉजिट कितना है। अगर इस पर्टिकुलर पीरियड स्पैन में अगर वाइड वेरिएशन मिल रहा है आपको तो आपको बैंक मैनेजर को एक्सप्लेनेशन पूछना है कि ये वेरिएशन क्यों है। फॉर एग्जाम्पल 15 मार्च को डिपॉजिट 100 करोड़ रुपीज, 31 मार्च को 150 करोड़ रुपीज और 10 अप्रैल को वापस है 50 करोड़ रुपीज, तो देर इज अ लार्ज वेरिएशन। तो ये वेरिएशन क्यों हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन कॉल करना है। अगर आपको लगता है सिर्फ फाइनेंशियल पोजिशन ओवरस्टेटेड बताने के लिए अगर ये कुछ विंडो ड्रेसिंग की है, कुछ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लिए, तो आप यहाँ पे उसमें रिमार्क डाल सकते हो। देन ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट, इस केस में आपको चेक करना है कि अगर नॉन रेसिडेंट की कुछ एफडीज है उसको ऑटो रिन्यूअल टैग लगाया गया, ऑटो रिन्यूअल का अगर टैग लगाया हुआ है आपको उसको, तो जब ऑटो रिन्यू हो रहा है उस दिन उसका स्टेटस नॉन रेसिडेंट था या नहीं था और उसके लिए बैंक ने कोई डॉक्यूमेंट लिए है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। कमिंग टू अदर लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, सेंडर डिपॉजिट्स, एग्जैक्टली द सेम अप्रोच ऑफ अदर असेट। देन कंटिंजेंट लायबिलिटीज, द टैगलाइन शुड बी पॉसिबल बट नॉट प्रोबेबल, पॉसिबल बट नॉट प्रोबेबल। तो यहाँ पे आपको किस तरह से ऑडिट अप्रोच होना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो लास्ट ईयर का आपको ऑडिट रिपोर्ट देखना है कि लास्ट ईयर में कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी थी क्या, देन उसकी फाइल्स मंगानी है आपको, इस साल उसके कम्युनिकेशन चेक करने हैं कि कोई एडवोकेट के साथ में कोई कम्युनिकेशन हुआ है क्या, उसमें कोई ऑर्डर सही है क्या, आपको चेक करना है कि लास्ट ईयर वो कंटिंजेंट थी बट इस बार वो कन्फर्म हो गई क्या। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो लास्ट ईयर के ऑडिटर ने उसको कंटिंजेंट बताया था बट इस साल में उसमें कुछ डेवलपमेंट हो गई है और ऑर्डर अपने अगेंस्ट में आ चुकी है बैंक, सो नाउ इट इज नॉट पॉसिबल बट इट इज ऑल्सो प्रोबेबल, मीनिंग दैट वो आप मेजर कर सकते हो, तो आपको क्या करना है उसकी प्रोविजन करनी। तो आपको कंटिंजेंट इवेंट क्या क्या थे, लॉयर के साथ में जो कम्युनिकेशन हुआ है वो चेक करना है, सब्सिक्वेंट इवेंट भी चेक करना है, अगर वो जो लायबिलिटी है अगर वो एस्टिमेट कर सकते हो आप तो उसको आपको प्रोविजनिंग करना है, अगर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो आप तो आप कंटिंजेंट लायबिलिटी बता सकते हो। तो वेरी स्मॉल एरिया बट वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, तो ये जनरली आपको सूट फाइल जनरली रेंट केसेस में आपको यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं, तो प्लीज चेक विद दिस फाइल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एलएफआर में फर्स्ट पार्ट हुआ था अपना असेट साइड, सेकंड था लायबिलिटी साइड, थर्ड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, ये सब मैं एलएफआर के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, तो रेवेन्यू ऑडिट रिपोर्ट चेक करके आपको मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट अगर बनाऊ मैं तो आयरॉक नॉर्म फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, सीबीएस सिस्टम प्रॉपरली आयरॉक नॉर्म के हिसाब से रिवर्सल कर रहे नहीं कर रहे, देन इंटरेस्ट जो पेड है डिपॉजिट्स पे भी और लोन पे भी वो प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट ओवरड्यू मैच्योर डिपॉजिट्स है ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट्स है तो उस पे इंटरेस्ट प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, देन इनकम और एक्सपेंडिचर में कोई मेजर चेंजेस आ रहे क्या कंपेयर टू द लास्ट ईयर। सो एक सजेस्टिव अप्रोच मैंने बनाया हुआ है कि इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट एज पर एलएफआर के क्वेश्चन बताया,
एज वेल एज पीएनएल का ऑडिट भी आप इसमें इंक्लूड करिए। मतलब जो पर्सन पीएनएल का पूरा इनडेप्थ वेरिफिकेशन करने वाला है उसी ने एलएफआर के क्वेश्चन को भी आंसर करना है और उसी ने पीएनएल के सब सेगमेंट कवर करना है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे एक्सेल में कंपैरेटिव एनालिसिस बनाइए, देन कुछ रेशियोज बनाइए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर यील्ड ऑन एडवांसेस कितना था, लास्ट ईयर के एडवांसेस एवरेज कितने थे, उस पर इंटरेस्ट कितना मिला, करंट ईयर के एवरेज एडवांसेस कितने, उस पर इंटरेस्ट कितना मिला। दीज रेशियोज आर कंपेरेबल नाउ, कंपेयर। और कुछ पर्टिकुलर हेड में अगर आपको डाइवर्जेंट ट्रेंड मिल रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन कॉल करिए और उसको इन्वेस्टिगेशन करिए व्हाई दिस इज। कमिंग टू द नेक्स्ट, सपोज लास्ट ईयर में सपोज लॉ चार्जेस 3 लाख रुपए थे और करंट ईयर में लॉ चार्जेस सपोज 7 लाख रुपए, तो भाई लॉ चार्जेस क्यों बढ़े, तो सूट फाइल अकाउंट बढ़े या नहीं बढ़े, कौन से अकाउंट में चार्जेस लगे वो चेक करना। देन रेंट एग्रीमेंट, रेंट बुक्स में कितना डेबिट हो रहा है और एज पर रेंट एग्रीमेंट कितना होना चाहिए था वो चेक करें। यहाँ पे आप रेवेन्यू ऑडिट रिपोर्ट भी ले सकते हो, कुछ बैंकों में रेवेन्यू ऑडिट रिपोर्ट सिस्टम होता है कि उसमें इनकम एक्सपेंडिचर होता है, वो आप चेक करिए कि बैंक में जब रेवेन्यू ऑडिट हो रहा है तो ऐसे कोई पर्टिकुलर एरिया है कि जहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू लीकेज मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो वो एरिया आपके लिए भी कंसर्न हो सकता है कि वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली सेटअप नहीं है। अलावा अगर रेवेन्यू ऑडिट में कोई रेवेन्यू लीकेज निकला है तो उसको रिकवरी की है नहीं की है, अगर रिकवरी नहीं की है तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ एमओसी। देन एक्सेप्शनल रिपोर्ट जनरेट करिए, इंटरेस्ट सभी अकाउंट्स पे चार्ज होना चाहिए बट अगर किसी अकाउंट पे इंटरेस्ट का फ्लैग नो है तो वो एक्सेप्शनल रिपोर्ट मांगेगा तो वो चेक करिए। देन सैंपल बेस पे आपको चेक करना है कि चार्जेस प्रॉपर मिल रहे नहीं है, इंटरेस्ट रेट प्रॉपरली लेविड हुआ है नहीं हुआ, इंटरेस्ट रिकवरी है क्या नहीं है। देन लीगल कंप्लायंसेस भी आप चेक कर सकते हो, पीएनएल वाउचिंग का प्रोग्राम बना सकते हो, कौन कौन से वाउचर आपको सैंपल बेस पे चेक करना है, उसके एक्सटर्नल इनवॉइसेस है या नहीं है, उस पर टीडीएस कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए, टीडीएस कटा है नहीं कटा है। देन जीएसटी एप्लीकेबल है, अगर वो आइटम रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल है उस पर जीएसटी पे किया है नहीं किया है। अलॉन्ग अगर वो आईटीसी का आइटम जो इनपुट मिल सकता है उस पर आईटीसी की प्रॉपरली अकाउंटिंग हुई है नहीं हुई, ये आपको चेक करना है। तो ओवरऑल पीएनएल का कंपेरेटिव एनालिसिस से आपको काफ़ी कुछ आइडिया आ जाएंगे। इसके साथ में अगर वाउचिंग का प्रोग्राम, पीएनएल वाउचिंग का प्रोग्राम अगर ऐड करते हो तो आप तो एक अच्छा एनालिसिस आपके लिए हो सकता है। कमिंग टू द लास्ट रेसिडुअली पार्ट ऑफ द एलएफआर, ये मिसलेनियस पार्ट है, जनरल पार्ट है बट काफी इंपॉर्टेंट वन है। फर्स्ट वन इज गोल्ड बुलियन एंड सिक्योरिटी आइटम्स। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया है आपसे कि स्टॉक वेरिफिकेशन होना चाहिए, बैंक की क्या सिस्टम है, बैंक कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन कर रही है, देन उसका वेरिफिकेशन प्रॉपरली करो, देन उसमें वैल्यूएशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, कुछ मिसिंग और लॉस आइटम मिल रहे तो प्रॉपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मिसलेनियस पॉइंट इसमें है तो वो आपको चेक करना है। सेकेंड वन इज बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। यहाँ पे एक्सपेक्टेड आपसे है कि जनरली हर बैंक में अभी सीबीएस सिस्टम हो गए बट सीबीएस सिस्टम के अलावा बैंक में कोई अदर सॉफ्टवेयर है क्या? अदर सॉफ्टवेयर का मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर जो इंटीग्रेट सीबीएस के साथ में होने चाहिए थे पर हो रहे या नहीं हो रहे आपको चेक करना है। इसके अलावा बैंक में ऐसी कोई सिस्टम है क्या जो मैनुअल बेसिस पे चल रही है? जनरली सब बैंक सीबीएस हो चुके हैं तो मैनुअल रिकॉर्ड्स नहीं होगा बट मैं एक ऑडिटिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि पर्टिकुलर एक ब्रांच हमको अलॉट हुई थी, वहां पे जब हम ऑडिट कर रहे थे एवरीथिंग वाज सीबीएस एंड करंट ईयर उसकी बात चल रही है, मतलब कुछ रिसेंट ईयर की बातें कर रहा हूँ, तो वहां पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट था जनरली पिग्मी डिपॉजिट्स। अभी नेशनलाइज बैंक में पिग्मी डिपॉजिट्स अभी नहीं होता है बट उस पर्टिकुलर बैंक में था एंड दैट पर्टिकुलर सेगमेंट वॉज मैनुअल वन और उसमें एक एडिशनल ऑब्जर्वेशन हमको मिला। जनरली सपोज 10 अकाउंट्स है वहां से पिग्मी कलेक्शन हो रहा है और पिग्मी एजेंट एक है तो बैंक में जब अकाउंट ओपन करना चाहिए तो 10 कस्टमर के नाम आने चाहिए तो उसके नाम पे वो अमाउंट दिखनी चाहिए थी बट बैंक हैज अ डिफरेंट सिस्टम, बैंकों ने 10 कस्टमर के नाम नहीं लिखे, सिर्फ पिग्मी एजेंट का नाम लिखा हुआ था सीबीएस सिस्टम, पिग्मी एजेंट कलेक्शन अकाउंट। सो वी मेक अ वेरी एडवर्स कॉमेंट बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बैंकिंग सिस्टम। अगर कस्टमर का अकाउंट है तो कस्टमर के अकाउंट के नाम से सीबीएस सिस्टम में होना चाहिए था। थर्ड वन इंटर ब्रांच अकाउंट, तो यहाँ पे जनरली ये एक्टिविटी जो है वो होती है हेड ऑफिस लेवल पे बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है आपको बैंक मैनेजर को पूछना है, वी नो दैट सर कि इंटर ब्रांच एक्टिविटी इंटर ब्रांच रिकंसिलिएशन एक्टिविटी डन बाय हेड ऑफिस बट जस्ट वी वांट टू इंक्वायर दैट कि एचओ से कोई रिस्पॉन्सेस आपको आए है क्या? एचओ से कोई रिस्पॉन्स आए है तो उसको कम्युनिकेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है?
ब्रांच की होती है। अगर कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है, उसको 7 दिन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं किया है, द अनरिस्पॉन्ड एंटिटी मोर देन 7 डेज में आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। कमिंग टू फ्रॉड्स, ब्रांच में कोई फ्रॉड हुआ है क्या? फ्रॉड अगर हुआ है तो आरबीआई को रिपोर्ट हुआ है क्या? फ्रॉड पोटेंशियल एरियाज कौन कौन से हैं वो आपको मेंशन करना है। देन रिस्क मिटिगेट करने के लिए अगर आप कुछ सजेशन दे सकते हो तो वो आपको मेंशन करना है। देन केवाईसी एंड एएमएल गाइडलाइन, बैंक की क्या गाइडलाइन है। जनरली एएमएल के जो ट्रिगर होते हैं वो ट्रिगर होते हैं हेड ऑफिस लेवल पे, बट एएमएल एक बार कोई पर्टिकुलर अकाउंट में एएमएल ट्रिगर होने के बाद हेड ऑफिस वो इंस्ट्रक्शन, वो जो इंस्टेंसेस है वो ब्रांच को भेजती है। देन ब्रांच क्रॉस वेरीफाई दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और उसको एएमएल ट्रिगर को रिस्पॉन्स करती है। तो यहाँ पे एज अ ब्रांच ऑडिटर अपना काम है वो, तो जो एएमएल ट्रिगर के जो इंस्टेंसेस एचओ से आए उसका वेरिफिकेशन प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके डॉक्यूमेंटेशन लेवल प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहे नहीं हो रहे वो आपको देखना है, और उसका रिस्पॉन्स टाइमली गया नहीं गया वो चेक करना है। देन एमआई सिस्टम, एमआई सिस्टम में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि डाटा इंटीग्रिटी कंट्रोल आपको चेक करना है, बट एज एवरीवन नोस कि अभी सब सीजीएम सिस्टम है, सब रिपोर्ट्स आपके कहाँ जनरेट होने वाले हैं? सीबीएस सिस्टम सेंट्रल लेवल हेड ऑफिस लेवल पर होने वाले, बट यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो डाटा इनपुट हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज एमआईएस रिपोर्ट जनरेट होने वाला है हेड ऑफिस लेवल पे, बट दिस एमआईएस रिपोर्ट विल बी बेस्ड ऑन डाटा इनपुट। तो अगर आपको डाटा इनपुट में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। लास्ट मिसलेनियस पॉइंट है, इसमें दो पॉइंट कवर करें, पहला पॉइंट है ऑडिटिंग और दूसरा पॉइंट है अदर फैक्टर। तो ऑडिट रिपोर्ट्स, तो फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, सबसे आखिरी में आ रहा है एलएफआर में, बट एज अ ऑडिट मैं आपको बताऊंगा ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। तो साल भर में आपको ये चेक करना है कि ब्रांच में कौन कौन से ऑडिट हुए, लास्ट ईयर का ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट भी चेक करिए, लास्ट करंट ईयर में कंकर्ट ऑडिट हुआ है क्या, रेवेन्यू ऑडिट हुआ है क्या, आईएएस ऑडिट हुआ है क्या, कोई फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हुआ है क्या, कोई आरबीआई ऑडिट हुआ है क्या, इंस्पेक्शन ऑडिट हुआ है क्या, स्टॉक ऑडिट हुआ है क्या, क्रेडिट ऑडिट हुआ है क्या, लीगल ऑडिट हुआ है क्या, एन नंबर ऑडिट्स आर देयर। सो कौन कौन से ऑडिट हुए उनके रिपोर्ट्स आप रिव्यू करें, उसमें से कौन कौन से ऑब्जर्वेशन स्टिल परसिस्टिंग है, बैंक ने कंप्लायंस कितना लेवल का किया, और कौन कौन से ऑब्जर्वेशन पेंडिंग है, और वो ऑब्जर्वेशन जो पेंडिंग है वो सब कंसिडर करने है आपको ये रिपोर्ट बनाते वक्त। इस तरह से ये पहला पॉइंट है कि आपने ये सब एडवर्स कॉमेंट्स आपने कंसिडर किए नहीं किए। सो दिस एक्टिविटी हैज टू बी हैंडल बाय अ सीनियर पर्सन हु नोज व्हाट इज द क्रक्स, व्हाट टू रीड फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट एंड व्हाट इज द कंप्लायंस लेवल ऑफ द ब्रांच। तो उसे मतलब बहुत ही शॉर्ट में बैंक के बारे में कंप्लीट रिव्यू आ सकता है कि बैंक में क्या चल रहा है, बैंक में कौन से एरिया में मैक्सिमम क्यूरीज है। उसका काम है जो पर्सन जो पर्टिकुलर एरिया ऑडिट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप बैंक का पढ़ रहे हो और वहाँ पे कैश एरिया में आपको कुछ प्रॉब्लम्स पता चल रहे हैं, कुछ वीकनेस पता चल रहा है, तो आपके टीम में जो कैश पर्सन कैश एरिया चेक कर रहा है उसको बताइए कि ये पर्टिकुलर चार चीजें चेक करो, कि ये चार चीजें ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने निकाले थे, बट बैंक ने बोला इसमें कि दो हमने कंप्लाई कर दिए तो पेंडिंग, तो दो कंप्लाई प्रॉपरली हुए नहीं हुए, जो कैश पर्सन जो बंदा अपना कैश चेक कर रहा है वो क्रॉस वेरीफाई करके आपको कंफर्मेशन देगा कि बैंक का कंप्लायंस लेवल कितना है। लास्ट पॉइंट इसमें का आता है कि अदर मैटर्स, ये पूरे एलएफएआर में या फिर बैंक के बारे में आपको इसके अलावा सेंट्रल स्टेटूटरी ऑडिटर को या फिर मैनेजमेंट को अगर कुछ भी बताना है, कोई भी सजेशन है, कोई भी आपको एडिशनल वैल्यूएशन करना है, कोई भी आपको इमीडिएट अटेंशन वाला पॉइंट बताना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते। फ्रेंड्स कवरिंग ओवरऑल दिस, जैसे एलएफआर में चार पार्ट आपको मैंने बताया, फर्स्ट वन वाज द असेट, सेकंड वन लायबिलिटी, थर्ड वन वाज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फोर्थ वन जनरल। तो जैसे आप सबको भी एक आइडिया आ गया होगा अभी कि एलएफआर इज अ क्वाइट ह्यूज वन, इसको आप ऑडिट प्रोग्राम बना के कर सकते हो, बट अगर आपको इसके ज्यादा भी एक्सटेंड वेरिफिकेशन करना है तो बैंक ऑडिट में आप सब कुछ चेक कर सकते हो।